एमएलबी स्कूल के मतदान केंद्र क्रमांक पर, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी आशीष दुबे भी वोट डालेंगे। आप देखिए कि यहां पर भी भीड़ पहुंची हुई है, तमाम मीडिया के लोग भी पहुंचे हैं। मैं आशीष जी से बात कर लेता हूं, खुद मेरे साथ आ गए। आशीष जी नमस्कार। आशीष जी आप मतदान करने पहुंचे हुए हैं, आज संविधान के द्वारा हर भारतीय को जो एक सबसे बड़ा मताधिकार का अधिकार दिया गया, आज उसका उपयोग करने के लिए मैं आया हूँ। मतदान से पहले आप मां नर्मदा का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे थे। इधर बिल्कुल हमारे लिए हमारी आस्था, हमारी जीवनदायिनी मां नर्मदा, जिनके किनारे हमारा जबलपुर बसा हुआ है, हमारे लिए वो श्रद्धा का केंद्र है। निश्चित रूप से उनका माँ का आशीर्वाद लेके और हम यहाँ मतदान करने आए। कैंपेन रहा, बहुत सारे स्टार प्रचारक, प्रधानमंत्री जी भी आपके लिए आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जबलपुर आए स्पेशली। स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमारा नेतृत्व चुनाव के दौरान हर जगह जाते हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सानिध्य मिला, मैं यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सानिध्य मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। मतदान करने पहुँचे हैं, क्या एजेंडा लेकर चले थे? एजेंडा हमारा सेट है, विकास विकास और विकास, उसको लेकर हम चल रहे हैं। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, लोकप्रिय नेतृत्व है, हमारी नीति तय है, नीति उस नीति पर काम कर रहे हैं और हमारी नीयत काम करने की। ये आशीष दुबे जी हैं जो कह रहे थे कि हमारे नेता नीति और नीति सारी चीज़ें जो है वो हमारी तय है, उसी के रास्ते पर हम चल रहे हैं। उन्होंने इसके पहले जो है वो यहाँ से घर से अपने निकले और घर से निकलने के बाद गौरीघाट पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने माँ नर्मदा की पूजन किया, उन्हें जलाभिषेक किया और उसके बाद सीधा माँ नर्मदा के पूजन करने के बाद वो मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।